ओके, तो कोर्स का जो है आपका नेम है सिंगल चिप माइक्रो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन। ये अगर आप लोगों ने डिजिटल लॉजिक डिजाइन का नाम सुना है तो दिस इज समवट सिमिलर टू दैट। ओके, सो रेफरेंस बुक जो आप इस कोर्स के लिए यूज करेंगे उसका नाम है माइक्रो कंप्यूटर प्रोसेसर एंड माइक्रो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। नोएल एम मॉरिस की ये बुक है, आप लोग को किसी भी बुक डिपो से भी अवेलेबल होगी। इसके अलावा ई फॉर्म में भी मेरे पास है, सॉफ्ट फॉर्म में, तो अगर आप बुक बाय करते हैं वो भी आपके लिए ठीक है, या फिर अगर आप सॉफ्ट कॉपी यूज करते हैं वो भी जिस तरह आपको ईजी लगे उस तरीके से आप देख लें। इसके अलावा लेक्चर के एंड में मैं आपको स्लाइड्स, जो लेक्चर स्लाइड्स हैं वो भी प्रोवाइड करूंगी, आपको बुक भी प्रोवाइड करूंगी, तो फिर जिस तरीके से आपको आसान लगे उस तरीके से आप इसको लेके चलें। टॉपिक्स जो हैं, 2 क्रेडिट आवर का ये कोर्स है, कुछ हमारे पास इसमें थ्योरी की क्लासेस होंगी, कुछ हमारे पास इसमें लैब की क्लासेस होंगी। तो थ्योरी से हम बिगिन करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता जब थ्योरी में आप इंडल्ज होने लगेंगे तो फिर हम लैब्स की तरफ आएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिल्कुल एक इंट्रोडक्टरी एक चैप्टर है हमारा बिगिनिंग का, कि हमने माइक्रो प्रोसेसर्स का इंट्रोडक्शन जो है वो पढ़ना है, और बिल्कुल बेसिक्स हम लोग आज इसकी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं चेक करूंगी कि आप लोगों की एग्जिस्टिंग नॉलेज जो है वो कितनी है इन चीज़ों के बारे में। टॉपिक्स जो हम आज कवर करेंगे वो है डिजिटल कंप्यूटर्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, बेसिक माइक्रो कंप्यूटर, बिट्स, निबल्स, बाइट्स और आईओ पोर्ट्स। इस चैप्टर के मजीद और 2 टॉपिक्स हैं, लेकिन आज हम लोग बस इतना ही करेंगे, सो दैट आप लोग आहिस्ता आहिस्ता ईज इन हो जाएं इस चैप्टर और इस जो है कोर्स के अंदर। स्टार्ट हम करेंगे डिजिटल कंप्यूटर्स से, लेकिन साथ साथ में आपके साथ क्वेश्चनिंग करूंगी, सो दैट मुझे अंडरस्टैंडिंग होती रहे कि आप लोगों का कंप्यूटर्स का लेवल कितना है। तो कौन मुझे बताएगा कि बेसिकली एक सिंपल कंप्यूटर को कौन डिफाइन करेगा, कि एक कंप्यूटर जो है वो क्या चीज़ है? अपने माइक्स खुद अनम्यूट करके आप जो है मुझे रिस्पॉन्स कर सकते हैं। अ कंप्यूटर इज अ मशीन विच टेक डाटा एंड प्रोवाइड इट इन अरेंज फॉर्म। ठीक है, और कोई बता सकते हैं? कंप्यूटर वो डिवाइस है जो किसी भी डाटा को प्रोसेस कर सके, स्टोर कर सके। बिल्कुल, तो एक कंप्यूटर को जब भी हम लोग कंप्यूटर कहते हैं तो हमारे जहन में एक ऐसी मशीन आती है जो कि जिसमें ये कैपेबिलिटी हो कि वो यूजर से डाटा ले सके, उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर सके और आउटपुट में यूजर को आउटपुट में यूजर को जो है वो इसका रिजल्ट दे सके। इसमें एक चीज आप लोग जहन में रखें कि जब हम लोग डाटा कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं तो वो किस फॉर्म में होता है? वो होता है डाटा की फॉर्म में। जब इनपुट पे आपके पास, जब आप इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो वो होता है आपके पास डाटा की फॉर्म में, लेकिन जब आपके पास इसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है अप्लाई, तो वो आउटपुट में आपके पास क्या बन के आती है? डेटा इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट? यस, इंफॉर्मेशन। एग्जैक्टली, तो डेटा आपके पास इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाती है आफ्टर जब इसके ऊपर प्रोसेसिंग वगैरह होती है। तो जब हम डिजिटल कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो ये भी सेम है, बस इसका एक मॉडिफाइड फॉर्म है। बाय डेफिनेशन, बाय थ्योरी क्या है? अ डिजिटल कंप्यूटर इज सिंपली अ कैलकुलेटिंग मशीन व्हिच कैरीज आउट अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस अंडर कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस कंटेन्ड इन इट्स स्टोर और मेमोरी। जो हमारे पास ये डायग्राम है इससे हम अंदाजा लगाते हैं कि एक बेसिक कंप्यूटर में हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट्स होने जरूरी हैं। सबसे पहले आपके पास कोई इनपुट डिवाइस होना चाहिए जिसके जरिए आप जो है यूजर को इनपुट दे सकें, या डाटा यूजर सॉरी कंप्यूटर को जो है आप डाटा प्रोवाइड कर सकें। ये डाटा जाएगा किस चीज के अंदर? सीपीयू के अंदर। सीपीयू क्या चीज है? आपके पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो कि प्रोसेसिंग करेगी डाटा के ऊपर, और फिर आपके पास वो आउटपुट पे क्या देगी? इंफॉर्मेशन देगी। अब ये जो सीपीयू है प्रोसेसर, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? इसके अंदर एक कंट्रोल यूनिट होता है जो कि ओवरऑल ऑपरेशंस को कंट्रोल करेगा। एक इसके अंदर स्टोरेज होती है जो कि वो डाटा जिसके ऊपर प्रोसेसिंग हो चुकी या होनी है उस डाटा को स्टोर करती है। और तीसरी चीज आपके पास है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो कि हम लोग नॉर्मली ALU के नाम से जाना जाता है। और ये ALU का काम क्या होता है कि तमाम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हो या लॉजिकल कैलकुलेशंस हो या जो भी डाटा वगैरह पे जो भी ऑपरेशन प्रोवाइड करना हो वो जो है हम इसके ऊपर कर सकें। अच्छा, तो डिजिटल कंप्यूटर्स की ये बिल्कुल बेसिक चीज है। ये एक ब्लॉक डायग्राम है जो कि आपके जहन में होना चाहिए कि एक बेसिक जो है कंप्यूटर उसकी वर्किंग कैसे होती है। अच्छा, यूजर कम्युनिकेट्स विद सीपीयू। यूजर किसके साथ कम्युनिकेट करेगा? सीपीयू के साथ।
और बाय मींस ऑफ पेरिफेरल यूनिट्स. पेरिफेरल यूनिट्स क्या होते हैं? आपके पास जो ये इनपुट डिवाइसेस है ना या आउटपुट डिवाइसेस हैं, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नली अटैच. जी, जो ये आपके पास क्या है, पेरिफेरल यूनिट्स. इसमें क्या आ जाएगा? इनपुट अगर डिवाइस है फॉर एग्जांपल, इसमें कीबोर्ड आ जाएगा, और क्या आएगा? माउस. माउस आ जाएगा, और स्कैनर. एग्जैक्टली, आपके पास माइक आ जाएगा. माइक. जी, कैमरा. हाँ जी, और आउटपुट में आपके पास क्या क्या आ जाएगा? बिल्कुल. अच्छा, इसमें आपके पास जो आउटपुट आएगा वो दो तरह का हो सकता है, या वो हार्ड फॉर्म में होगा या वो सॉफ्ट फॉर्म में होगा. सॉफ्ट फॉर्म जो है वो इलेक्ट्रॉनिक होगा, यानी वो आपके पास मॉनिटर के ऊपर आएगा, और जो आपके पास हार्ड फॉर्म होगा वो प्रिंटेड फॉर्म में आएगा, जैसे प्रिंटर के ऊपर आपके पास कोई पेज प्रिंट होके आ रहा है. तो आपके पास जो आउटपुट डिवाइस आपको रिजल्ट देगा वो या तो आपके पास सॉफ्ट फॉर्म में देगा या आपके पास हार्ड फॉर्म में देगा. ओके. इनपुट डिवाइसेस कॉज डेटा टू बी अप्लाइड टू द इनपुट, विच इंक्लूड्स स्विचेस, ट्रांसड्यूसर, सेंसर्स, टेलेटाइप्स. कोई भी चीज जिसके जरिए हम इनपुट दे सकें वो इनपुट डिवाइस है. इन टर्न द कंप्यूटर कम्युनिकेट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड बाय मींस ऑफ आउटपुट डिवाइसेस. अब आउटपुट डिवाइसेस में क्या आ जाएगा? अगर हम इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास अगर इनपुट पे आपके पास स्विच है, ठीक है, हम ऑन करेंगे तो आउटपुट में क्या होगा? वो लाइट या वो लैम्प या वो कोई भी चीज ऑन हो जाएगी, ठीक है. सिमिलरली एक कोई भी डिजिटल कंप्यूटर जो है वो, उस पर आप कोई भी इनपुट देंगे, इन रिस्पॉन्स आपके पास कोई भी आउटपुट आएगा. द सीपीयू इज द सेक्शन ऑफ कंप्यूटर विच हैंडल्स डेटा. ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं? ट्रांसड्यूसर्स जो है ये भी एक इनपुट की एक किस्म है. जिस तरह सेंसर्स होते हैं, टेलीटाइप्स होते हैं, मुख्तलिफ साइज, जिस तरह स्विच है, ये भी इनपुट देने की एक किस्म है, ठीक है. हम आहिस्ता आहिस्ता इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आप डिटेल्स में, जब हम सर्किट्स वगैरह पढ़ेंगे तो इसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या चीज है. CPU is the section of computer which handles data and instructions and contains the sections described below. अच्छा, CPU के अंदर क्या क्या है? Arithmetic and logic unit है. ये वो section है जो कि आपके पास arithmetical, mathematical operations जैसे multiplication, addition, subtraction और division, ये सब चीजें जो है ये हैंडल करता है. और लॉजिकल ऑपरेशंस एंड और नॉट जो है ये आपके पास करता है. लॉजिकल ऑपरेशंस इससे पहले आप लोगों ने पढ़े हैं, एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन. जी, बूलियन अलजेब्रा पढ़ा है आप लोगों ने? जी पढ़े हैं. जी पढ़ा हुआ. जी जी पढ़ा. ठीक है, ओके. मैंने पढ़े हैं, नहीं नहीं पढ़े इस कोर्स में, नहीं पढ़ा इस, यानी ड्यूरिंग बीएससी जो हम कर रहे हैं इसमें हमने नहीं पढ़ा, मैट्रिक वगैरह में पढ़ा हुआ. ठीक है, ठीक है, इट्स ओके. अच्छा, एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इज नोन एज द एक्यूमुलेटर. अगर जिन्होंने मैट्रिक वगैरह में पढ़ी है वो हम मुझे बताएंगे कि एक्यूमुलेटर क्या चीज है. कोई है जहन में आपको आइडिया? एक्यूमुलेटर जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, जो कि हमारे पास हैंडल करता है कैलकुलेशंस को, उसके पास छोटे छोटे स्टोरेज यूनिट्स होते हैं जिसमें वो रिजल्ट्स रखता है कैलकुलेशंस की. जैसे 5 + 5 + 6 होना है तो 5 + 5 कैलकुलेट करके वो थोड़ी देर के लिए उसको एक्यूमुलेटर में उसका रिजल्ट ऐड करेगा, फिर उसके पास मजीद +6 करेगा. तो ये आपके पास छोटे मेमोरी लोकेशंस होते हैं जिनको हम कहते हैं रजिस्टर्स. तो कंप्यूटर्स के पास मुख्तलिफ किस्म के रजिस्टर्स होते हैं, जैसे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हो गया, मुख्तलिफ अलग अलग किस्म के रजिस्टर्स होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे कोर्स में. हर एक रजिस्टर का अलग अलग पर्पज होता है. किसी रजिस्टर का ये पर्पज होता है कि उसने डाटा को स्टोर करना है, किसी रजिस्टर का ये पर्पज होता है कि उसने डाटा के उस एड्रेस को स्टोर करना है, ठीक है. एक्यूमुलेटर क्या है? एक्यूमुलेटर इज यूज्ड एज टेंपरेरी स्टोरेज लोकेशन फॉर मेनी ऑपरेशंस. द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट आल्सो कंटेन्स सेवरल अदर रजिस्टर्स व्हिच आर एक्सेसिबल टू द प्रोग्रामर फॉर यूज एज. तो ये रजिस्टर्स, आपको अंदाजा हो रहा होगा ये क्या चीज है, टेंपरेरी स्टोरेज है या अकोमोडेशन है ड्यूरिंग डाटा मैनिपुलेशन या डाटा प्रोसेसिंग. इसके अलावा जो स्टोरेज है या मेमोरी सेक्शन है, इट इज यूज्ड टू स्टोर बोथ नंबर्स और इंस्ट्रक्शंस. स्टोरेज जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम लोग इसमें नंबर्स ही स्टोर करें, इसमें हम इंस्ट्रक्शंस भी स्टोर कर सकते हैं. कोई भी चीज जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है वो हम इसमें स्टोरेज में स्टोर कर सकते हैं. प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम इज सिंपली अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन डाउन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. कोई भी प्रोग्राम क्या होता है? आपके पास सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि आपके लिए किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए बनाया गया होता है. फॉर एग्जाम्पल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रोग्राम है, ठीक है, वो एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस है. उसका पर्पस क्या है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का?
डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना, उनको अपडेट करना. एग्जैक्टली, वो आपको क्या करता है, वर्ड प्रोसेसिंग की तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है. ठीक है, लेकिन इसके अलावा क्या वो आपको गेमिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? नो, क्योंकि वो डिजाइन वो सिर्फ क्रिएट ही इस चीज के लिए किया गया है, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए जो कि है वर्ड प्रोसेसिंग. ठीक है, तो जब हम प्रोग्राम की बात करेंगे या यूज करेंगे थ्रू आउट द कोर्स, इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस की जो कि किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए डिजाइन की गई है. अच्छा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट में क्या क्या करता है, द इंस्ट्रक्शंस आर ओबेड इन सीक्वेंस सो दैट द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड इन ऑर्डरली मैनर. तमाम इंस्ट्रक्शंस को एक सीक्वेंस के साथ एग्जीक्यूट किया जाता है. इन एडिशन टू द अबव फीचर्स, द कंप्यूटर नीड्स एन एक्यूरेट टाइमिंग सोर्स टू इंश्योर सिंक्रोनिज्म बिटवीन वेरियस ऑपरेशंस डिस्क्राइब्ड अबव. तमाम ऑपरेशंस जो कंप्यूटर के होते हैं वो सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, वो क्लॉक पे काम करते हैं. ठीक है, तो कंप्यूटर के अंदर अपनी क्लॉक होती है, टाइमिंग सोर्स होती है, जिसको हम लोग नॉर्मली कहते हैं क्रिस्टल कंट्रोल्ड ऑसिलेटर, और इसको हम लोग डॉग सोर्स भी कहते हैं, और वो तमाम इंस्ट्रक्शंस को और उनकी टाइमिंग्स को और प्रोग्राम्स को जो है कंट्रोल करती है. कंप्यूटर्स की अगर हम जनरली बात करें, वो आपके पास हर साइज में अवेलेबल है. सबसे बड़े साइज जैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं या सुपर कंप्यूटर्स हैं, तो वो भी अवेलेबल हैं. इसके अलावा हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर्स हैं जो होम बेस्ड कंप्यूटर्स हैं. सबसे स्मॉलेस्ट कंप्यूटर आप लोगों के जहन में कौन सा है जो कि आप लोग यूज करते हैं? मोबाइल है, क्योंकि आपके जो मोबाइल है वो पूरी के पूरी उसकी मैकेनिज्म और उसके अंदर जो सर्किट है वो तमाम उस चीज पे कंप्लीट उतरता है जो कि एक बेसिक कंप्यूटर की डेफिनेशन है. और जो बहुत ही बड़े कंप्यूटर्स हैं जो कि हैवी डाटा प्रोसेसिंग कंप्यूटर्स हैं जिनको नंबर क्रंचर्स कहा जाता है, तो वो सुपर कंप्यूटर्स या मेन फ्रेम कंप्यूटर्स वो कहाँ पे आपके पास अवेलेबल होते हैं? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल जो कि यूज कर सकती है बड़े बड़े कंप्यूटर्स नंबर क्रंचर्स? इंटरनेट, उन्होंने मेन सर्वर्स लगाए होते हैं. हाँ, सर्वर कंप्यूटर. ठीक है, उनके पास है. ठीक है, इसके अलावा जैसे नासा है, आपको नासा का पता है क्या है? ओके, तो वो लोग नंबर क्रंचर्स यूज करते हैं, सुपर कंप्यूटर्स यूज करते हैं, क्योंकि जो उनको प्रोसेसिंग स्पीड चाहिए होती है वो बहुत बहुत हाई होती है, और उनको जो अमाउंट ऑफ डाटा चाहिए होता है वो भी बहुत बहुत ज्यादा होता है. तो कंप्यूटर्स आपके पास हर साइज में अवेलेबल हैं. और माइक्रो कंप्यूटर्स जो है, ये कोर्स आपका है वो है माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में. ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर्स आर एट द अदर हैंड द एंड ऑफ द साइज रेंज, छोटे साइज के कंप्यूटर्स हैं, एंड इट कैन कंसिस्ट अ फ्यू इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स, आईसीज जो है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स के ऊपर जो है ये टेक्नोलॉजी बनी हुई है. अच्छा, एक बेसिक माइक्रो कंप्यूटर को हम डिस्कस करते हैं क्या चीज है. अ माइक्रो कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर टुगेदर विद द नंबर ऑफ आईसी चिप्स which allow the user to communicate with it. दो चीज़ें हैं इसमें, माइक्रो प्रोसेसर होता है और इसके साथ कुछ आई सी चिप्स होते हैं जिसके ज़रिए यूज़र इसके साथ कम्युनिकेट करता है. प्राइम फंक्शन इसका क्या होता है कि एक डेडिकेटेड कंट्रोलर होता है विच इज़ परमानेंटली कनेक्टेड टू अ सिस्टम. जैसे माइक्रो कंप्यूटर हमारे पास ट्रैफिक लाइट सिस्टम में भी हो सकता है, एंड इज़ नॉट कॉल्ड ऑन टू परफॉर्म एनी अदर फंक्शन. जैसे ट्रैफिक लाइट्स हैं, उसका माइक्रो कंप्यूटर सिर्फ स्पेसिफिकली उसके लिए जो है वो डेडिकेटेड है, वो कोई और टास्क परफॉर्म नहीं करेगा. बाय एक्सपेंडिंग द इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी कैपेबिलिटीज ऑफ माइक्रो कंप्यूटर इट बिकम्स अ यूजफुल जनरल पर्पस कंप्यूटर. अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर जनरल पर्पस कंप्यूटर इज शोन. ये जो फिगर है ये वन ऑफ द अर्लीस्ट माइक्रो कंप्यूटर्स है, मेरे ख्याल से IBM का है, ये आपके बुक में इसकी पिक्चर है. दिस टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर इज पोर्टेबल एंड येट इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस एंड कंट्रोल प्रॉब्लम्स. ये वन ऑफ द अर्लीस्ट जो माइक्रो कंप्यूटर्स आए थे ये उनकी टाइप है. अच्छा, नेक्स्ट जो हम लोग कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग को थ्रू आउट द कोर्स जो यूज हो रहा है वो आपको पता हो. अच्छा, हार्डवेयर मुझे कौन डिफाइन करेगा? कंप्यूटर साइंस से, कंप्यूटर से रिलेटेड हार्डवेयर किस चीज को कहते हैं? जिनको मैम ऐसे पार्ट्स जिनको हम फिजिकली फील कर सकते हैं, कंप्यूटर अटैच कर सकते हैं. यस, वो एग्जैक्टली वो तमाम इक्विपमेंट्स जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड हों और हम लोग उनको फिजिकली टच कर सकें, वो हार्डवेयर की कैटेगरी में आता है. सॉफ्टवेयर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स की हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं मैम. ठीक है, और कोई बताएगा इसके अलावा? मैम ऐसी चीजें जिन्हें हम सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते. हाँ, बट ये हार्डवेयर ऐसे पार्ट्स हैं जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं. सॉफ्टवेयर की जब हम बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर के लिए सॉफ्टवेयर एक स्पेसिफिक प्रोग्राम को रन करने के लिए यूज होता है कंप्यूटर के अंदर.
सॉफ्टवेयर जो है बेटा, जो हार्डवेयर है इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि वो कंप्यूटर कंपोनेंट्स जिनको हम फिजिकली टच कर सकें, लेकिन सॉफ्टवेयर के हवाले से हमारे पास ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट रह जाती है अगर हम इसी डेफिनेशन का ऑपोजिट लेते हैं ना, कि वो चीज जो हम लोग नहीं टच कर सकते। इसमें फिर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। सॉफ्टवेयर इन इटसेल्फ क्या है? ये कंप्यूटर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस है जो कि कंप्यूटर को बताता है कि आपने क्या करना है और कैसे करना है। सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है? कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस हैं दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। कंप्यूटर इटसेल्फ एक स्टूपिड डिवाइस है, एक स्टूपिड मशीन है, क्योंकि इसको खुद कुछ नहीं पता मैंने क्या करना है, जब तक आप एक यूजर उसको प्रोग्राम के जरिए इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे कि आपने अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। तो सॉफ्टवेयर आपके पास एक ऐसी चीज है जो कि बेसिकली चला, अगर हम लोग कंसिडर करें कि हार्डवेयर हमारे पास एक गाड़ी है, तो गाड़ी को चलाने के लिए एक ड्राइवर चाहिए होता है, तो सॉफ्टवेयर को हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये वो ड्राइवर है जो कि इस गाड़ी को चला सकता है। फर्दर सॉफ्टवेयर में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अच्छा, किसी को पता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या है? यस मैम, मैम सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो किसी सिस्टम को चलाने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें हम लोग ऐसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं सिस्टम के बारे में, इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि सिस्टम को आपने किस तरह लेके चलना है, सिस्टम को कैसे रन करना है। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो बेसिकली बनाए जाते हैं हमारी आसानी के लिए, मतलब कि हम लोगों ने जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बनाया हुआ है, ठीक है, इसमें हमारे पास तीन एप्लीकेशन दी गई है कि हम लोग हमारी आसानी के लिए डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं या ऑफिस वर्किंग के लिए। इस तरह से जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारी आसानी के लिए डिजाइन किए जाते हैं। बिल्कुल, सिस्टम सॉफ्टवेयर की जी जी मिसाल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। हाँ जी, जैसे विंडोज हो गई। बिल्कुल, तो हमारे पास इज विंडोज द ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम? इसके अलावा हमारे पास दुनिया में और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? एंड्रॉइड है, इसके अलावा मैक है। और बहुत एक कॉमन सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि ईस्ट उसमें ज्यादा पॉपुलर है वेस्टर्न कल्चर में, हमारे पाकिस्तान इंडिया, हाँ पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश ये जो सब कॉन्टिनेंट साइड है, हम लोग विंडोज के साथ इतना कंफर्टेबल है कि हम लोग रेडी दूसरी साइड पे जाते हैं। विंडोज हमारे पास जो है वो क्लोज सोर्स जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, मोस्टली बाहर की कंट्रीज में जो यूज होता है वो यूज होता है आपके पास लिनक्स, यूनिक्स, रेड हैट, ये सब जो है आपके पास ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं। और इसका फायदा ये है कि ये ओपन सोर्स हैं। ओपन सोर्स का मतलब पता है आप लोगों को? बट विंडोज इज नॉट ओपन सोर्स। ओपन सोर्स ये होता है, ओपन सोर्स ये होता है कि आपके पास जो भी, जैसे विंडोज है ये सी में बनी है, सी लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सिमिलरली आपके पास इस तरीके से जो लिनक्स भी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनी है, बट विंडोज जो है वो क्लोज्ड सोर्स इसलिए है कि हमारे पास उसमें हम लोग के पास इसकी पीछे की कोडिंग नहीं है, हमारे पास सिर्फ फ्रंट का हमारे पास व्यू है और वो जो यूजर बेस्ड इंटरैक्टिव व्यू है हम लोग इसको यूज करते हैं। हमारे पास कोई एक्सेस नहीं है इसकी कोडिंग तक, मींस कि हम इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। विंडोज जैसे बन के आई है इसको एज इट इज यूज करेंगे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो यूनिक्स है, लिनक्स है या रेड हैट है, ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो कि ओपन सोर्स है, इसका कोड अवेलेबल है। तो अगर इसमें आप चाहते हैं कि अच्छा मेरे पास डेस्कटॉप पे एक ये चीज भी होनी चाहिए, कोई ऐसा प्रोग्राम जो आपको चाहिए, तो वो इनकोड करके आप उसमें कोड में डाल सकते हैं और नेक्स्ट टाइम जब आप रिस्टार्ट करेंगे तो आपके डेस्कटॉप पे वो चीज आपके पास या वो फीचर आपके पास अवेलेबल होगा, क्योंकि आपने उसके कोड में चेंजेस की और वो कोड आपके पास अवेलेबल है। ओपन सोर्स ये होता है कि आपके पास किसी चीज की कोडिंग अवेलेबल हो, आप उसमें चेंजेस कर सकें और न्यू चेंजेस के साथ उसको यूज कर सकें। विंडोज क्लोज सोर्स है क्योंकि वो जैसी आई है उसको एज इट इज हमने यूज करना है, इसमें हम मजीद चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को ये चीज? चले सॉफ्टवेयर मैम, यूनिक्स लिनक्स जी जी मैम, यूनिक्स लिनक्स ये एशिया में यूज नहीं होते? होते हैं, बट मोस्टली लोगों का जो है वो विंडोज की तरफ रुझान है। इधर भी यूज होते हैं, मैं खुद भी यूज करती हूँ, ऐसा इसमें वो नहीं है, लेकिन जो एज इट विंडो की तरह यूज होते हैं। बिल्कुल सेम, जिस तरह हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है, जिस तरह मैक का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसी तरह सिमिलरली हमारे पास ये भी है, यूनिक्स है, लिनक्स है, रेड हैट है, बहुत सारे मुख्तलिफ हैं। आप लोग गूगल में सर्च कीजिएगा कि कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल हैं, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में कौन सा सॉफ्टवेयर ज्यादा पॉपुलर है, कौन से फील्ड में कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादा चलता है।
अच्छा सॉफ्टवेयर में क्या होता है, इट कंप्राइजेस ऑफ द प्रोग्राम्स रिटन टू अलाउ द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस। सॉफ्टवेयर हमारे पास वो प्रोग्राम्स होते हैं जिसके जरिए हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेंगे। समवेयर बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अच्छा तीसरी टर्मिनोलॉजी हमारे पास है फर्मवेयर। किसी को पता है ये क्या चीज है? यस मैम, आई थिंक परमानेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो होते हैं रोम के अंदर, आई थिंक सो, जो फर्मवेयर जी बिल्कुल क्लोजिंग के लिए और ओपनिंग के लिए यूज होते हैं। और कोई बताएगा? चले फर्मवेयर क्या चीज है आपके पास, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बीच की एक चीज है, ये क्या है? इट एग्जिस्ट समवेयर बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। और ये क्या है, इसका काम इंस्ट्रक्शंस व्हिच आर वाइटल टू द स्टार्टिंग अप एंड शट डाउन ऑफ द कंप्यूटर एज वेल एज इनपुट आउटपुट प्रोसीजर्स ऑफ द सिस्टम। और ये ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि जरूरी हैं और ये आपके पास जो है लोकेट हुए होते हैं, आपके पास ये एग्जिस्ट करते हैं रोम के अंदर, ठीक है। लेकिन ये जब प्रोग्राम होके आते हैं ये सिर्फ एक बार प्रोग्राम हो सकते हैं, इसको फिर हम लोग मजीद इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, तो उसको हम लोग कहते हैं ये क्या है, ये फर्मवेयर है। दीज इंस्ट्रक्शंस आर प्रोग्राम्ड इनटू हार्डवेयर चिप्स। हार्डवेयर चिप्स के ऊपर इनकी प्रोग्रामिंग की जाती है एंड कैन नॉट बी नॉर्मली अल्टर्ड बाय द यूजर। यूजर इसको चेंज नहीं कर सकता, जैसे है इसको एज इट इज यूज करेगा यूजर। लेकिन मिस कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स यूज कर इसे चेंज किया जा बिल्कुल सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन वो प्रोफेशनल्स का काम है। अगर हम लेमेन के टर्म्स में बात करें तो वो एक नॉर्मल यूजर इसको नहीं छेड़ सकता है। अच्छा एक बेसिक माइक्रो कंप्यूटर क्या चीज है? बेसिक माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इन द फॉर्म ऑफ सिलिकॉन सेमी कंडक्टर सिलिकॉन चिप टुगेदर विद अ रेंज ऑफ सपोर्ट चिप्स। एक बेसिक माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम जो है, अभी आगे आपके पास एक फिगर आएगी 1.4, तो उसमें भी आपके पास शो किया गया है क्या है। इसमें हमारे पास एक ALU है, कंट्रोल यूनिट है, टाइमिंग डिवाइसेस हैं। एलिमेंट्स इसमें क्या क्या है, अब देखिए माइक्रो प्रोसेसर चिप जो है वो वेरी करता है। आपके पास ऐसे माइक्रो प्रोसेसर भी हो सकते हैं जिनमें सिर्फ ALU हो और कंट्रोल यूनिट हो। ALU मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और कुछ ऐसे भी माइक्रो प्रोसेसर हैं, क्योंकि ये आप अपनी नीड के मुताबिक डिजाइन करवाते हैं या बनाते हैं। बट अनदर टाइप मे नॉट ओनली कंटेन ALU एंड कंट्रोल यूनिट एंड क्लॉक बट ऑल्सो सम मेमोरी एंड IO फैसिलिटी। कुछ माइक्रो प्रोसेसर में अगर हमें लिमिटेड चीज के लिए चाहिए तो सिर्फ ALU और कंट्रोल यूनिट होगा। कुछ के लिए अगर हमें ज्यादा फंक्शनैलिटीज उसमें चाहिए तो हम उसमें मेमोरी भी ऐड करेंगे, इनपुट आउटपुट की फैसिलिटी भी ऐड करेंगे। डिपेंड करता है कि आप लोग किस पर्पज के लिए इसको डेवेलप कर रहे हैं। ये आपके पास एक बेसिक माइक्रो प्रोसेसर की जो है एक डायग्राम है। आप देख रहे हैं कि आपके पास माइक्रो प्रोसेसर चिप है और तीन तरह के इसके पास जो है आपके पास बसेस इसके साथ कनेक्टेड हैं। एक है डाटा बस, एक है एड्रेस बस और एक है कंट्रोल बस। ये थ्री बस सिस्टम है जो कि इसको फर्दर आके जाके फिर कंप्यूटर की फर्दर डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करता है। डाटा बस का काम क्या होता है कि थ्रू आउट द कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर ये आपका डाटा कैरी करता है। एड्रेस बस इसी डाटा का जो है आपके पास एड्रेस कैरी करता है और कंट्रोल बस तमाम बस के ओवरऑल ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। और फिर जो है ये क्या, किसी भी इनपुट आउटपुट टर्मिनल्स के साथ ये कनेक्टेड होते हैं। और इधर आपके पास रीड ओनली मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, इनपुट आउटपुट के इंटरफेसेस होते हैं और यहाँ पे आपके पास वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं जहां से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं। अच्छा हम लोग बार बार मेमोरी में ये चीज टर्म्स यूज कर रहे हैं, रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी। किसी को अंदाजा है इन दोनों मेमोरी टाइप्स में डिफरेंस क्या है? मैम जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है रैम, ये टेम्परेरी स्टोरेज होती है और जो रोम होती है वो परमानेंट स्टोरेज होती है। और ये शट डाउन के दौरान रोम जो होती है वो रीसेट नहीं होती, जबकि रैम जो होती है वो अपना डाटा लूज कर देती है। एग्जैक्टली, तो इसको हम लोग जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास रैम जो है वो वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब इसके कंटेंट्स इसके लॉस्ट हो जाएंगे अगर हमारे पास कंप्यूटर शट डाउन होगा। और जो रोम है वो नॉन वोलेटाइल है, अगर हमने रोम में सेव किए हैं तो कंटेंट्स हमारे पास एज इट इज स्टोर रहेंगे। अच्छा माइक्रो कंप्यूटर्स आर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड अ थ्री बस सिस्टम, जैसे अभी मैंने आपको बताया, डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। कंट्रोल बस क्या करेगा, कंटेन्स सेवरल वायर्स, कैरीज आउट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मिंग द सिस्टम व्हेन टू रीड डाटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस, व्हेन टू राइट डाटा, मतलब जो कब रीड करना है डाटा को, कब राइट करना है डाटा को, मतलब तमाम ओवरऑल ऑपरेशंस जो है वो कंट्रोल बस जो है वो कंट्रोल करता है। एड्रेस बस यूजुअली कंटेन्स 16 लाइंस एंड गिव्स द CPU द कैपेबिलिटी ऑफ एड्रेसिंग अप टू 2 to the power 16, मतलब 65 536 इंडिविजुअल लोकेशंस जो है वो एड्रेस बस प्रोवाइड करता है।
लोकेशन कैन आइदर बी एन एड्रेस इन द मेमोरी, या तो मेमोरी में वो एड्रेस होगा और या फिर किसी भी इनपुट या आउटपुट डिवाइस के बारे में होगा. द नंबर ऑफ लाइन्स इन द डेटा बस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ माइक्रो प्रोसेसर. आपके पास 8 लाइन्स का भी माइक्रो प्रोसेसर होता है जो कि डेटा बस के लिए हैं, और हमारे पास बहुत ही छोटे लेवल के माइक्रो प्रोसेसर हैं तो कुछ ऐसे भी हैं जिसमें सिर्फ 4 लाइन्स यूज हुई हैं, और नॉर्मली जो ज्यादा उसके लिए चाहिए तो मैक्सिमम हमारे पास 16 तक है. सेलेक्टेड लाइन्स फ्रॉम ईच ऑफ द 3 बसेस आर कनेक्टेड टू वेरियस डिवाइसेस अलॉन्ग द 3 बस सिस्टम. अपने नीड के मुताबिक ये जो तीनों बसेस हैं ये कनेक्ट हैं आगे फर्दर कुछ आईओ पोर्ट्स के साथ या रैम के साथ या रोम के साथ, ताकि तमाम फंक्शनैलिटी जो है माइक्रो कंप्यूटर की वो कैरी कर सकें. अच्छा, मेमोरी क्या है? मेमोरी और स्टोर इज इन टू सेक्शंस. रोम जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, और रैम द लेटर इज मोर एक्यूरेटली डिस्क्राइब्ड एज रीड एंड राइट मेमोरी. आवाज कट रही है या फिर स्लो है? पहले कट रही थी, अब ठीक आ गई है. ठीक है. अच्छा, जो हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी है इसको हम रीड एंड राइट मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन को हम राइट भी कर सकते हैं मेमोरी में और उसको फिर हम रीड भी कर सकते हैं. अच्छा, अ पॉइंट वर्थ नोटिंग हियर इज दैट ईच लोकेशन इन रोम कैन ऑल्सो बी एक्सेस्ड इन रैंडम फैशन. अच्छा, ये हम फिर बाद में जब डिटेल में डिस्कस करेंगे. ये चीजें हैं कि अगर हमारे पास रैंडमली हम कैसे किसी भी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं किसी भी मेमोरी में, तो ये फिर हम लोग बाकायदा इसको डिटेल से पढ़ेंगे. द डेटा स्टोर्ड इन रोम इज वाइटल टू द ऑपरेशन ऑफ माइक्रो कंप्यूटर एंड मस्ट नॉट बी लॉस्ट व्हेन द सप्लाई इज टर्न्ड ऑफ. डेटा को रोम में इसलिए ही रखा जाता है ताकि इसके कॉन्टेंट्स जो है वो लॉस्ट ना हो अगर हमारे पास पावर सप्लाई ऑफ होता है. द रैम में कंटेन बोथ द प्रोग्राम एंड सीपीयू इज ऑपरेटिंग ऑन एंड ऑल्सो अदर रेलिवेंट डाटा. अच्छा, मोस्ट केसेज में रैम रिटेन्स इट्स प्रोग्राम एंड डाटा ओनली सो एज लॉन्ग एज द पावर सप्लाई इज मेंटेन टू इट. मतलब रैम तब तक मेंटेन करेगा जब तक पावर सप्लाई आएगी, पावर सप्लाई नहीं आएगी तो ये मेंटेन नहीं करेगा. ये बेही बेसिक सारी चीजें हैं. RAM of this type is described as volatile memory. ROM jo hai wo non-volatile hai. Input output devices are needed through which we can communicate with the CPU. Aur isko hum log interface units bhi kehte hain, peripheral devices bhi kehte hain, jiske zariye aap computer ke sath communicate kar sakte hain. Input terminals of the CPU are often known as input ports. And the output terminals are known as the output ports. अच्छा, broadly speaking, हमारे पास दो type होती हैं interface units, namely those which accept a serial input and those which accept a parallel input. अच्छा, serial input क्या होता है? वो वाला होता है in which the data is presented in sequential form. Example इसकी क्या है? Microcomputer is used to count a number of pulses which occur in sequential random order, for example, traffic sensors. अच्छा, ये हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे तो आपको ये क्लियर होगा. ये वाला पॉइंट अभी छोड़ दें. CPU itself operates as parallel system. अच्छा, कुछ चीजें इसमें sequential form में होंगी यानी serial form में होंगी microcomputer के हवाले से, और कुछ चीजें ये लेगा parallel form में, मतलब simultaneously चीजों को handle किया जाएगा data को. The function of the serial interface unit is to convert serial data into parallel form. 1.4 फिगर है. हम ये पिछला पॉइंट क्लियर करेंगे प्लीज. The CPU itself operate as a parallel system that is one in ये वाला that is one which all the data is handled simultaneously. अच्छा, CPU क्या है? इसको हम parallel system क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हमारे पास एक option होती है multitasking की. अगर आप input कर रहे हैं data को, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल एक जनरल एग्जांपल ये है इसकी कि अगर आप मल्टीपल टास्क जो है ये इकट्ठे हैंडल कर सकता है, मल्टीपल डाटा को इकट्ठे हैंडल कर सकता है. फॉर एग्जांपल अगर आपने कंप्यूटर ऑन किया हुआ है तो एक तरफ अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, साथ में अगर आपने कुछ ऑडियो पे कोई कुछ प्ले किया हुआ है, फॉर एग्जांपल आप सॉन्ग सुन रहे हैं, तो मल्टीटास्किंग जहाँ पे हो रही होती है, जहाँ पे मल्टीपल टास्क माइक्रोप्रोसेसर हैंडल करता है, तो हम कहते हैं कि ये पैरेलल सिस्टम है जिसमें द वन इन विच ऑल द डाटा इज हैंडल्ड साइमल्टेनियसली. मतलब आप टास्क के हवाले से बहुत सारे काम इसमें इकट्ठे आप कर सकते हैं, तो वो पैरेलल सिस्टम्स की कैटेगरी में आ जाएगा. In the case of figure 1.4, जब जो भी आपके सामने आगे figure आएगी, the serial input-output interface is used in connection with teletype, which causes the data to be transmitted every time a key is pressed. अच्छा, इसको भी हम figure को देखते हैं. कौन से
अच्छा इसमें नहीं है वो फिगर। अच्छा बुक जो अभी आपको मैं सेंड करूंगी ई फॉर्म में, उसमें फिर आप देख लीजिएगा ये सारा कंटेंट जो मेरे स्लाइड्स का है, ये सब पूरा का पूरा कंटेंट किताब से लिया गया है, तो आप उसमें इससे भी देख सकते हैं और बुक से भी देख सकते हैं, फिगर्स भी आप उसमें देख सकते हैं, ताकि आप लोग को जो है क्लियर आइडिया हो कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। ईच टाइप राइटर कैरेक्टर मस्ट फर्स्ट बी कन्वर्टेड। टेलीटाइप एक In case of figure 1.4, the serial IO interface is used in connection with a teletype, which causes data to be transmitted every time a key is pressed. जब आप keyboard पे key press करेंगे, तो तब क्या होगा? Data जो है आपका transmit होगा, अंदर जाएगा system की तरफ। जब जैसे आपका keyboard है, वो आपके CPU के साथ connected है। जैसे आपने keyboard पे कोई भी key press की, उससे एक आपका connection create हो गया और आपका data transmit हो गया और अंदर CPU की तरफ चला गया। ठीक है? Each typewriter character must first be converted from a series of electrical pulses at the input to the interface into a parallel form at its output before being passed to the CPU. जब आप key strokes press करते हैं, ठीक है, आपके पास for example अगर आप word में typing कर रहे हैं और आप ABC लिख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि screen पे आपके सामने ABC ही लिखी जा रही है, लेकिन जब आप key press करते हैं, ये electrical pulses में convert होता है, ठीक है, convert होके अंदर आपके CPU में जाता है, वहाँ से वो उसको वापस convert करता है, पहले इलेक्ट्रिकल पल्सेस में होता है, फिर आपके पास ये बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद ये हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होकर आपके पास स्क्रीन पे शो होता है, जो कि एबीसी टिपिकल जो कि आपको समझ में आती है। मैम ये 1/0 बाइनरी है, ये आईओ है, इनपुट आउटपुट इंटरफेस है। हाँ जी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक, ये इनपुट आउटपुट है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। इनपुट आउटपुट इंटरफेस की हम बात कर रहे हैं ना, कि इनपुट पे ही आप जो है कीबोर्ड को कीज को प्रेस करेंगे। अच्छा, a parallel IO interface is required when a number of independent lines have signals on simultaneously. This may occur, for example, where a system has switches and transducers. अच्छा, ये चीजें जो है, अब हम जब डिटेल में जाएंगे तो ये चीजें फिर हम दोबारा से डिस्कस करेंगे, तो आपको क्लियर होंगी। अभी मैं आपको एक ये चीज बोलूंगी तो आपको यही होगा कि ये चीज एक्सप्लेन करें, साथ में ये चीज एक्सप्लेन करें, तो क्लियर नहीं होगा आपको इतना। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को पता होना चाहिए कंप्यूटर्स के हवाले से, बिट क्या होता है, बाइट क्या होता है, निबल क्या होता है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। बिट मुझे कौन बताएगा, बिट क्या चीज है? हम कहते हैं ना इतने बिट्स हैं या इतने बाइट्स हैं, किस चीज का? स्टोरेज का, मेमोरी, स्टोरेज का सबसे छोटा यूनिट। हाँ जी, तो एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैज वन ऑफ द टू ऑपरेटिंग स्टेट्स, नेमली आइदर ऑन और ऑफ, दैट इज टू स्टेट और बाइनरी डिवाइस। अच्छा, आपके पास या ये बिट्स जो हैं, आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट वो है स्टोरेज इंफॉर्मेशन है, या तो ये जीरो होगी या तो ये वन होगी। इफ द डिवाइसेस प्रोड्यूस एन आउटपुट वोल्टेज ऑफ जीरो वोल्ट्स व्हेन इट इज ऑफ, से 5 वोल्ट्स व्हेन इट इज ऑन, द जीरो वोल्ट्स लेवल कैन बी डिस्क्राइब्ड एज लॉजिक जीरो एंड द 5 वोल्ट्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज लॉजिक वन। अच्छा, आपके पास जैसे कोई डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो हमारे पास ऑन और ऑफ का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, तो अगर ऑन है तो वो लॉजिक वन होगा, इसका मतलब है कि वो ऑन है, और अगर ऑफ है तो वो लॉजिकली जीरो होगा। दस बाइनरी डिजिट, मतलब ये शॉर्ट किस चीज का है बिट, ये है बाइनरी डिजिट बिट, मे हैव द लॉजिक वैल्यू ऑफ आइदर वन और जीरो। फ्रॉम द अबव वी कैन सी दैट अ बाइनरी वेरिएबल कैन हैव ओनली वन ऑफ द टू कंडीशंस, जीरो और वन। अप्लाइंग लॉजिक टू द सिचुएशन वी सी वन हमारे पास क्या है, वन इज इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक है, नॉट जीरो का मतलब है जीरो कॉम्प्लीमेंट, या जीरो के ऊपर अगर आप बार नोटिस करेंगे तो इसका मतलब क्या है, नॉट जीरो। ठीक है, और इसी तरीके से जीरो है विच इज इक्वल टू नॉट वन, विच इज इक्वल टू वन कॉम्प्लीमेंट या वन के ऊपर बार, इसको भी कॉम्प्लीमेंट को हम इस तरह भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बेसिक बिट जो है, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखें, राइटिंग अ बार ओवर अ बाइनरी वेरिएबल इंप्लाइज दैट वी आर डीलिंग विद द लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट वेरिएबल। जैसे जीरो का कॉम्प्लीमेंट है, तो ये मैं किस चीज की बात कर रही हूँ, ये मैं वन की बात कर रही हूँ, और अगर मैं वन कॉम्प्लीमेंट है तो ये मैं किस चीज की बात कर रही हूँ, जीरो। तो जीरो कॉम्प्लीमेंट मेरे पास असल में ऑन स्टेट को जो है वो करता है रिप्रेजेंट, और वन का कॉम्प्लीमेंट मेरे पास ऑफ स्टेट को जो है रिप्रेजेंट करता है। ठीक है,
complementing a binary variable is also described as logical negation or logical inversion. किसी भी बाइनरी वेरिएबल हो चाहे जीरो हो और वन हो, अगर हम उसका कॉम्प्लीमेंट कर दें तो इसको हम एक और टर्मिनोलॉजी भी यूज करते हैं, लॉजिकल निगेशन भी कहते हैं, इसको लॉजिकल इन्वर्जन भी कहते हैं. अच्छा, ये बिट की बातें हो गई सारी. अब हमारे पास अगली चीज आती है बाइट. ठीक है, बाइट कौन बताएगा बाइट क्या है? बिट्स का ग्रुप होता है मतलब. हाँ जी, तो आपके पास निबल और बाइट दोनों क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स होता है. अगर हमारे पास चार बिट्स कंबाइन हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल 100010010, तो हम कहते हैं कि ये क्या है? निबल है. और अगर हमारे पास 8 बिट्स का ग्रुप कंबाइन होता है तो हम कहते हैं कि ये क्या है? बाइट है. अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड यूज होता है वो है वर्ड लेंथ. The number of bits used to convey data in a microprocessor is known as its word length. जितने bits हम use करते हैं ताकि हम data को convey कर सके, उसको हम कहते हैं word length. In the majority of microprocessor, this is 1 byte or 8 bits. Normally हम लोग एक character को 1 byte या 8 bits में represent करते हैं. कुछ microprocessor में हम 4 bits को भी use करते हैं nibble लेके, और कुछ में जो है हम लोग 16 bits को भी use करते हैं. तो जब हम लोग एक कैरेक्टर को हम लोग यूज कर रहे होते हैं बिट्स की फॉर्म में, तो हम कहते हैं कि ये माइक्रोप्रोसेसर के लिए क्या है? ये है वर्ड लेंथ. अच्छा, टिपिकल एट बिट वर्ड इन अ माइक्रोप्रोसेसर में भी, जैसे आप गौर से देखें, जैसे आपके पास है बेटा, हु इज स्पीकिंग? या तो कोई क्वेश्चन है तो करें, एल्स अपना माइक जो है आप म्यूट कर लें. अच्छा, अ टिपिकल 8-bit वर्ड इस्लाम मुश्ताक, अपना माइक बंद करो. इस्लाम बेटे, अपना माइक बंद करो यार. माइक म्यूट करें बेटा. मैम आप म्यूट. अभी मैं शेयरिंग मोड से मुझे फिर निकलना पड़ेगा. इनको मैसेज कर दें कि माइक जो है अपना म्यूट कर दें. अच्छा, टिपिकल 8-bit वर्ड जो है माइक्रोप्रोसेसर में, जैसे अभी ये एग्जांपल देखें, 111 000 001, ये 8 bits हैं. ठीक है, अब आप लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक 1 नजर आ रहा है और राइट हैंड साइड पे आपको एक 1 नजर आ रहा है. जो लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, इसको हम कहते हैं MSB, मीन्स मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. और जो राइट हैंड साइड पे है, इसको हम कहते हैं LSB, मतलब least significant. हाँ जी. अच्छा, in the 8080 family of microprocessors, the above word could represent the instructions. Compare the accumulator contents with the next number in the program. ये जो हमने use किए हैं group of bits, अगर हमारे पास हम लोग 8080 family of microprocessor use करें, तो इस instruction का मतलब है to compare the accumulator contents with the next number in the program. तो ये bits जो है इस purpose के लिए use होता है. मैम ये नहीं समझ आया 8080. ये आपके पास ये ग्रुप ऑफ बिट्स है 111 000 001. ठीक है, ये 8 बिट्स का एक ग्रुप है. ये एक इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. और ये किस इंस्ट्रक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है? 8080 फैमिली ऑफ माइक्रोप्रोसेसर्स में अगर हम लोग ये इंस्ट्रक्शन इंसर्ट करते हैं, इसका मतलब है हम माइक्रोप्रोसेसर को किस चीज का कमांड दे रहे हैं कि वो कंपेयर करे एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को किसके साथ? विद द नेक्स्ट नंबर इन द प्रोग्राम. मतलब ये हम लोग बिट्स के जरिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं. ठीक है, तो हर एक जो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उस ग्रुप ऑफ बिट्स है, उसका मतलब है कि वो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन को कमांड करता है. तो ये जो ग्रुप ऑफ बिट्स है, ये किस इंस्ट्रक्शन को कमांड करता है? कंपेयर द एक्यूमुलेटर कंटेंट्स विद द नेक्स्ट नंबर इन द प्रोग्राम. और ये कहाँ पे ये अप्लाई होता है? 8080 फैमिली ऑफ माइक्रोप्रोसेसर्स में. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है इनपुट आउटपुट पोर्ट्स. ये थोड़ा सा मैम इतना बहुत है बेटा, आज तो फर्स्ट क्लास है आज ही आप लोग. चलें अभी आपके पास चलें, ये इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है. ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, इसके लिए टाइम भी ज्यादा चाहिए. अच्छा, ऐसा है कि मैं आज आपके साथ ये आज का लेक्चर और बुक शेयर करती हूँ. फिर कल भी आप लोगों का कल भी क्लास है आप लोगों की,
तो फिर कल की क्लास में हम लोग ये तीन हमारे पास इस चैप्टर के टॉपिक्स रह जाएंगे, तो कल फिर हम लोग ये कवर कर लेंगे। तो अगर आप लोग पहले से एक रीड देकर आ सकें, मैं बुक आपके सीआर को जो है वो ईमेल कर दूंगी और ये चीजें भी ईमेल कर दूंगी। अभी मुझे मेरे पास सीएमएस के क्रेडेंशियल्स आए नहीं है लॉगिन वगैरह, ताकि मैं उस पर अपलोड कर सकूँ। जैसे मेरे पास वो क्रेडेंशियल्स और लॉगिन आएंगे तो मैं वहाँ पे भी आपका जो ये मटेरियल है ये अपलोड कर दूंगी। फिलहाल शेरोज को मैं ये स्लाइड्स और जो बुक आपकी है जिससे मैं पढ़ा रही हूँ वो मैं भेज दूंगी। नेक्स्ट क्लास में अगर आप लोग सारा एक रिवाइज करके आएंगे तो काफी अच्छा हो जाएगा, ताकि कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ साथ जो है वो क्लियर होते रहे। ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है? लॉजिकल गेट्स का अगर आप लोगों को पता है एंड और नॉट, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, सर्किट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, बुलियन अलजबरा है वो सब जो है आपका लैब फिजिकली सर्किट्स होंगे वो अब डिपेंड करेंगे। असल में ये यूनिवर्सिटी मैंने अभी ज्वाइन की है तो मुझे यहाँ कब देखना पड़ेगा कि क्या हिसाब है। नॉर्मली तो फिजिकली ही होगा, तो साथ साथ जो है इस चीज को भी करेंगे, लेकिन पहले उसके लिए आपको थोड़ी सी थ्योरी आनी जरूरी है। थ्योरी हम थोड़ी सी जब थ्योरी में आगे बढ़ेंगे तो फिर साथ साथ हम लोग लैब को लेके चलेंगे। मिस, क्या इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी हमें? अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ लेक्चर, आपके साथ बाकी टीचर्स रिकॉर्डिंग शेयर कर रहे हैं लेक्चर की? ठीक है, तो फिर मैं इसकी रिकॉर्डिंग जैसे ही मेरे पास ही कन्वर्ट होके आएगा तो ये भी मैं आपके सीआर को जो है भेज दूंगी, फिर उससे फिर आप लोग आगे ले लेंगे। कोई और क्वेश्चन है? नो मिस। ठीक है, शेरोज आपने अटेंडेंस मुकम्मल कर ली है अपनी? यस मैम। ठीक है, चलें बेटा, अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो ये फिर मैं क्लास यहाँ पे एंड कर देती हूँ, और जो चीजें हैं स्लाइड्स और मटेरियल्स वो मैं आपके सीआर को ईमेल कर दूंगी, तो वो फिर आप लोगों में डिस्ट्रिब्यूट। एक चीज और थी मिस, जैसे हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर प्राइवेसी लगी है, और आपको पता है कि जो करंट सिचुएशन है वो ऑनलाइन सिस्टम है। अगर किसी ने कोई क्यूरी पूछनी हो या कोई उससे क्यूरी हो रिलेटेड, यानी जो हमने स्टडी की उससे रिलेटेड, तो देन वो किस तरीके से आपसे रابطہ कर सकता है, क्योंकि इस ग्रुप में तो प्राइवेसी लगी है, ओनली एडमिशन मैसेज है। बेटे मैं अपना ईमेल एड्रेस ग्रुप में शेयर करती हूँ आपके साथ, जो कि मेरा ऑफिशियल है, आप उस पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी क्वेरी को भी एक्सप्लेन करें, अगर कोई रेफरेंस बुक है या कोई चीज है जिसकी समझ नहीं आ रही उसकी स्क्रीनशॉट भी अटैच करना चाहे तो मुझे आप भेज दें, फिर मैं आपको क्लियर कर दूंगी उसमें। तो नहीं हो सकता व्हाट्सएप बेटा, मेरे पास क्लासेस बहुत ज्यादा हैं, इस तरह वो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा प्राइवेट नंबर्स पे इनको मैनेज करना अपने सारे स्टूडेंट्स को। बहरहाल अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो फिर आप मैं आपको खुद फिर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके वो चीज क्लियर कर दूंगी। मैम, इलेक्ट्रॉनिक की जो छोटी चिप्स वगैरह होती है उनको भी माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं? चिप्स क्या ये सिर्फ बाइनरी ही यूज करते हैं? बेटा जो भी चिप इक्विपमेंट है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर होगा, जिसमें ये दो चीजें आपके पास आएंगी ना, कंट्रोल यूनिट और ALU, इंटीग्रेटेड सर्किट्स वगैरह लगे होंगे, वो भी इन्हीं में आएंगे? बिल्कुल, वो सब इसके अंदर आएगा। अच्छा ठीक है, अगर कोई और क्वेश्चन है तो कर लें, और अगर नहीं है तो फिर मैं ये सेशन आपका एंड करती हूँ। फिर इंशाल्लाह आपसे कल नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। कल किस टाइम है आपकी क्लास? एक मिनट, टाइम टेबल से देख के बताता हूँ मैं, एक मिनट। कल आपकी सेकंड क्लास है? यस मैम, लैब है। अच्छा लैब है, कल हमारी लैब है। हाँ जी, लेकिन लैब है लेकिन हम अभी करेंगे थ्योरी ही, क्योंकि थ्योरी ही आएगी आप लोगों को, तो फिर लैब करना आएगा आप लोगों को। दो घंटे की क्लास है लैब की। मैम इस तरह थ्योरी का काफी लंबा हो जाएगा लेक्चर, सिलेबस बहुत ज्यादा पड़ा जाएगा। चले हम देख लेंगे, उसको मैनेज कर लेंगे, इतना ज्यादा नहीं होगा इंशाल्लाह। दो क्रेडिट आवर्स का तो ये कोर्स है, अभी तो हम लोग बिल्कुल बेसिक्स लेके चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोगों पे बर्डन होगा या नहीं समझ आएगा। अगर आप लोगों को लगे कि ज्यादा बहुत हो रहा है तो फिर आप लोग मुझे बता दीजिएगा, हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में फिर बाकी देख लेंगे। ठीक है, ओके, चलें। ठीक है, अल्लाह हाफिज। नहीं बेटा, टू क्रेडिट आवर का कोर्स का मतलब होता है कि आपका कंबाइन इसमें लैब भी है और इसमें आपके पास थ्योरी भी है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब आप लोग लीव कर जाएं सारे, मैं खुद एंड कर देती हूँ।